साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा परिवार में। साथियों जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आप लोगों को एक्सरसाइजमेंट से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूँगा ORP के बारे में। ORP को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। हमारी भारत सरकार ने 3 महीने का समय मांगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है और उसमें 3 महीने का समय मांगा गया है। देखिए सरकार की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये एप्लीकेशन सरकार के वकील ने दी है सुप्रीम कोर्ट को, और ये दिए होनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनको दी है, वो भारत सरकार के वकील ने दी है। और इसमें सब में ये जिक्र करा गया है 3 महीने का समय के लिए मांगा गया है, जो 13/3/2022 को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ORP के लिए फैसला दिया था और उसमें पूरा का पूरा हमें एरियर देने के लिए कहा गया था, तो उसमें देखिए साथियों उन्होंने प्रार्थना की है इसमें लेटर में 3 महीने के समय के लिए। और ये लेटर देने वाले हैं साथियों अरविंद कुमार शर्मा, एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा, ये भारत सरकार के वकील हैं, इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो साथियों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है, भारत सरकार को समय देता है या नहीं देता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही पता लगेगा इसके बारे में। तो साथियों यही थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।